ओके एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशिका अग्रवाल। और रिसेंटली मैं कोयम्बटूर गई थी। ये पार्ट सेकंड है मेरा जो मैं कोयम्बटूर से सामान लाई हूँ, जो मैंने पर्सनली थोड़ी बहुत शॉपिंग की अपने यूज़ के लिए। तो सेकंड थिंग मैं लेके आई हूँ थोड़ी बहुत अपने यूज़ के लिए, साड़ी एंड सूट। तो मैं सबसे पहले अपनी जो सबसे प्योर साड़ी है ये सिल्क में, पहले मैं वो आपको दिखाती हूँ। ये मेरी पहचान के शॉप से मैंने लिए, जो मतलब नोन पर्सन थे उनसे लिए, बिकॉज बहुत सारी ऑनलाइन रिकमेंडेशन थी, बट ये मेरे पहचान के निकल गए भैया, तो मैंने उनके शॉप से ली ताकि मुझे जो भी है चीज़ वो पता चले कि एक्चुअल मैं परचेज़ क्या कर रही हूँ। बिकॉज फिर साड़ी में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है क्या प्योर है क्या नहीं है। तो ये प्योर सिल्क की साड़ी मैं लेके आई अपने लिए, ये देखिए। तो इसमें मैंने डार्क शेड खोज रही थी, बट डार्क शेड में मुझे कुछ डिज़ाइन पसंद नहीं आई, तो एक ये मुझे पसंद आया। बिकॉज इसमें ये मोर का पैटर्न था, तो ये ट्रेडिशनल लुक दे रहा था। ये सिल्क का जो अपना यूजुअली, ये देखिए, ये यूजुअली होता है वही पैटर्न था, प्लस अभी सिल्वर का सिल्वर थ्रेड का जो है उसका थोड़ा फैशन आने वाला है और चल भी रहा है। तो सारे कलेक्शन सिल्वर के पैटर्न में ज़्यादा थे, इसलिए मैंने ये ले लिया। बिकॉज गोल्ड के मेरे पास ऑलरेडी हैं बनारसी में। तो देखिए ये सिल्क की साड़ी इस टाइप से है, एंड इसका ब्लाउज़ देखती हूँ, अगर इस साइड हुआ तो मैं आपको दिखा दूँगी, बिकॉज फिर साड़ी फोल्ड करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अच्छा कलेक्शन था। ये देखिए इसका आँचल, ये भैया के पास बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी। मैरून शेड में भी एक साड़ी थी कि जो आई थिंक मैरून शेड की जो साड़ी थी वो प्लेन थी, तो वो मैंने नहीं ली, प्लेन थी विथ गोल्ड। और इसका ब्लाउज पीस ये है देखिए, मैरून प्लेन में। तो ये जो डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन है, तो ये पहना हुआ बहुत अच्छा लगेगा। जब भी मैं ये साड़ी पहनूंगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। इंस्टा आईडी मेरी रोशिका अग्रवाल है, तो अक्सर मैं उसमें जो भी आउटफिट या कुछ पहनती हूँ तो अब मैं उसमें पोस्ट करने लगी हूँ। पहले मैं खाली उसमें फूड जो मैं एक्सप्लोर करती थी, या मैं कहीं कुछ अच्छा मुझे लगता था खाने में, तो मैं वो आपके साथ शेयर किया करती थी, लेकिन अब मैं ओवरऑल सारी चीज़ें उस पर ही शेयर करने लगी हूँ। बिकॉज बहुत सारी आईडीज़ मेरे लिए हैंडल करना इजी नहीं होता है। मेरी आईडी लड्डू गोपाल जी की जो है उस पर भी मैं थोड़े बहुत जो है डाल देती हूँ पोस्ट वगैरह, बट मेरी मेन आईडी रोशिका अग्रवाल ही है, तो आप प्लीज़ उसको ही फॉलो करें, फिर मैं बाद में अच्छे से फोल्ड करूँगी। सेकेंड चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कॉटन के बहुत अच्छे स्टफ़ मिल रहे थे उनके, तो ये कॉटन में जरी का किया हुआ था, ये देखिए ये। और ये शेड, ये कलर भी बहुत अच्छा लगा मुझे। तो एक ये साड़ी मैंने ली है, ये देखिए, और बहुत अच्छा प्रिंट है, लाइट प्रिंट है। जो बहुत बोल्ड प्रिंट्स होते हैं वो मुझे बहुत कम पसंद आते हैं, बिल्कुल जो बोल्ड प्रिंट नहीं अच्छा लगता और वो बहुत भड़कीला लगता है मुझे। देखिए ये इसका आँचल है, एंड द ब्लाउज आई थिंक सेम था। तो भी मैंने जैसे बोला कि मैं थोड़ा बहुत साड़ी का कलेक्शन कर रही हूँ, बिकॉज वीकेंड पे साड़ी पहनने का मैं ट्राई करूँगी, और उससे साड़ी पहनने भी आएगी। ऐसे कभी कभी मैं साड़ी पहनती हूँ तो मैं साड़ी पहनना भूल जाती हूँ प्रॉपरली, क्योंकि मैंने रेगुलर में कभी साड़ी पहनी नहीं है। तो इसका ब्लाउज़ भी आई थिंक सेम ओवरऑल वाला यही डिज़ाइन है जो प्रिंटेड में है, बिकॉज अलग से कुछ मुझे दिख नहीं रहा इसमें। वेट, हाँ, तो साड़ी में ये ब्लाउज़ भी सेम यही प्रिंट का है, और आँचल इसका ये देखिए गोल्ड टाइप का है ऐसा। तो ये बहुत अच्छी कॉटन की साड़ी है। एंड सेकेंड थिंग, हाँ, ये देखिए ये शॉप जो है ये है दैट कोयम्बटूर में, इसका नाम है चंपा लाल अनिश कुमार दैट। तो ये मेरी पहचान के ही थे भैया, तो उन्होंने ही मुझे गाइड किया कि मैं कैसे क्या ले सकती हूँ, फिर मुझे जो पसंद आया वो मैंने अपनी पसंद से ले लिया। और सेकंड ये कॉटन की साड़ी मुझे पसंद आई, इसका कलर बहुत अच्छा था, गोल्डन एंड जरी में है, और ये बूटा है पूरा ओवरऑल साड़ी में। इसका आँचल मैं आपको दिखा देती हूँ। साड़ियाँ बहुत सारे स्टोर हैं, ये तो मेरी पहचान की, तो मैंने यहाँ से ली। आप चाहो तो वहाँ पे बहुत सारी फेमस साड़ियाँ हैं, मार्केट हैं, गूगल पे ऑलमोस्ट रेटिंग भी सबकी अच्छी है, तो आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी।
ये देखिए महावीर स्कर्स के ये सब शॉप हैं अलग से, लेकिन मुझे क्योंकि आइडिया नहीं है इतना मैं क्या लेके आती क्या नहीं लेके आती, इसलिए मैंने ये भैया की शॉप से ली। और ये देखिए सब ब्लाउज प्लेन मैरून है, आंचल कुछ इस टाइप का मिक्स में है, येलो एंड दिस वन जो कि इसका बूटा का शेड है उसी में बना हुआ है। बहुत ही प्यारी साड़ी लगी मुझे कॉटन की। और फिर इनके पास ये इखत का सूट था जो इखत में एक्चुअली मैं बहुत इखत पहन चुकी हूँ, बट ये कलर मुझे अच्छा लगा तो फिर मैंने ये कलर ले लिया। ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा था, इखत में ब्लू शेड भी था उनके पास। तो ये बॉटम एंड दैट दुपट्टा जिसमें हल्का गोल्डन का जरी का डाला हुआ है, प्योर कॉटन है, समर सीज़न के लिए बेस्ट है इसलिए मैंने ले लिया। समर सीज़न में हमें चाहिए होता कॉटन का स्टफ। एंड सेकेंड ये भी, ये काफ़ी पुराना पैटर्न है, काफ़ी टाइम से ये चलता आ रहा है। ये देखिए बैग्ड सूट, इसका मुझे कलर बहुत प्यारा लगा था इसलिए मैंने कलर के लिए ये सूट ले लिया, बिकॉज ये कलर का सूट नहीं था मेरे पास। तो देखिए ये है टॉप, ये ब्लैक बॉटम है इसका एंड ये दुपट्टा, तो बहुत ही क्यूट सेट था ये वाला। तो ये दो सूट मैंने लिए और वो तीन साड़ियाँ ली जिसमें दो कॉटन की है एंड एक सिल्क की है। और मैं शॉप का नाम नीचे डालूँगी अगर आपको परचेस करना है तो। आई थिंक वो ऐसे नहीं देते हैं, वो एक दो पीस नहीं देते हैं, बट वो मेरे पहचान के भैया थे इसलिए दे दिए। सो ये थी साड़ियों की और सूट की जो डिटेल्स थी मैंने आपके साथ शेयर की। इसका प्राइस मुझे याद नहीं, मैंने एक साथ ही सारा लिया था तो टोटल अमाउंट आई थिंक कितना, 14 टोटल अमाउंट आई थिंक 14-15 मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे अच्छे से याद नहीं, मैं आपको मिस गाइड नहीं कर सकती मैं कितने का लिया। जैसे कि मेरी ये साड़ी 10 या 11 के अराउंड की थी तो 14-15 का बिल तो नहीं होगा, ज़्यादा का ही होगा। तो जो भी हो मुझे याद आएगा तो मैं डाल दूँगी, बिकॉज मेरे पास बिल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ली वो शॉप से और रात को हम गए थे तो उस एरिया में बहुत सारी ज्वेलरी की शॉप भी थी, गोल्ड के स्टफ भी बहुत अच्छे मिल रहे थे। और पुराना एरिया है वहाँ पे बहुत ये कोयम्बटूर में, तो जो सिटी साइड में थोड़ा रश रहता है, ट्रैफिक रहता है, बट ओवरऑल सिटी बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ इशू नहीं है और पॉपुलेशन कम है वहाँ की, तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, ग्रीनरी बहुत है, बहुत अच्छे मतलब कोकोनट वाटर और जो अपना नीरा होता है जो आइस एप्पल उसका जूस वगैरह मिलता है, और भी बहुत सारे स्टफ जैसे साउथ इंडियन फूड तो अच्छा मिलता ही है, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए भी स्पेशली बहुत अच्छा नॉन वेज फूड वहाँ पर मिलता है। वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में अनदास एंड अन्नपूर्णा, ये दो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट बहुत फेमस है वहाँ के। तो ओवरऑल अच्छी सिटी है और शांत है और कल्चर भी वहाँ पे लोग फॉलो करते हैं बहुत अच्छे से, मंदिर वगैरह में जो उनका स्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी पुराना है, मंदिर वगैरह अच्छा मेंटेन कर रखा है, सफाई भी रहती है मंदिर वगैरह में, एंड लोकल बहुत आते हैं डेली मंदिर वहाँ पे, मैंने देखा है बाहर का कोई नहीं रहता, लोकल ही लोग ज़्यादा रहते हैं मंदिर में दर्शन के लिए। और फूल हो गया, माला हो गया, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनाते हैं, उनका जो काम है वो हाथ का वो करते हैं, फूल माला बनाने के लिए बहुत महीन काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी एंड थोड़ा लैंग्वेज का है क्योंकि वहाँ पे लोग तमिल ही बोलते हैं और दूसरी लैंग्वेज को जल्दी बोलते नहीं हैं, तो तमिल ही बोलते हैं और ऑलमोस्ट सबको तमिल ही आती है, इंग्लिश भी नहीं आती है, सो थोड़ा लैंग्वेज का इशू होता है, बट अच्छी है सिटी, लोग हेल्पफुल हैं और गूगल मैप में ऑलमोस्ट आप जब डालोगे लोकेशन करेक्ट ही पहुँचते हैं हम लोग, ऐसा नहीं गूगल मैप रॉन्ग दिखा रहा है। पुरानी सिटी में कितनी बार होता है आप जब जाते हो गलियों में खोजते रह जाते हो तो ऐसा इशू नहीं होता, वहाँ पे करेक्ट ही आप पहुँचते हो। तो ये थी छोटी सी वीडियो जो कि मैंने साड़ी शॉपिंग की, और साड़ी में एंड सूट में मुझे फैब्रिक वगैरह अच्छा लगा काफ़ी, और जो भी अपडेट होगी मैं जब नेक्स्ट मंथ जाने वाली हूँ आई थिंक, तो मैं और अपडेट करूँगी आपसे अगर मैं हुआ कोई साड़ी की फेमस शॉप हुई जहाँ पर मुझे लगा कलेक्शन अच्छा है तो मैं वहाँ का एड्रेस आपके लिए डाल दूँगी, बिकॉज मैं जहाँ से लेके आई हूँ वो रिटेल शॉप नहीं है, वो भैया बाहर भेजते हैं सारा स्टॉक।
तो ये थी छोटी सी वीडियो, और अब मैं थर्ड पार्ट आपके साथ शेयर करूँगी जिसमें कुछ और स्टफ मैं लेके आई हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने एयरपोर्ट से लिए, बिकॉज मैं वहाँ पे मॉल वगैरह नहीं घूमी थी, बेसिकली मैं मंदिर वगैरह वहाँ पे विजिट किया था, बिकॉज मॉल वगैरह तो सब जगह ही होते हैं, तो मैंने सोचा कि जहाँ लोकल चीज़ें हैं, जो लोकल सामान फेमस है, मैं वहाँ जाऊँ, इसलिए मैंने फिर एयरपोर्ट से थोड़ी बहुत शॉपिंग की जो मुझे लगा कि ये ब्रांड अच्छा है। तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। राधे राधे।